अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक को डिफाइन कर रहा हूँ ये बहुत कंफ्यूज करता है आप लोगों को, ये अपोस्ट्रोफी, मलकियत का इजहार। अब कुछ लोग इसको कैसे लिखते हैं, कुछ कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखना हो हसन का लैपटॉप या हसन की गाड़ी, तो कोई लिखेगा कार ऑफ हसन, कोई हसन कार, कोई हसन कार, अपोस्ट्रोफी डाल, तो ये क्या है। असल में ये मलकियत का जब आपने इजहार करना होना तो वहां तो आप अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी कहते हैं कोमा डालकर आपने जब लिखना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है कि कोई मलकियत का इजहार और उसके साथ आप कोमा डाल देते हैं और एस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हसन की गाड़ी है तो हसन कार आप लिख दें तो कोमे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैंने उसको जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, थोड़ा सा एलैबोरेट भी किया और सिंप्लीफाइड भी किया। कैसे, मलकियत को मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। इंसानों की मलकियत भी हो सकती है, बेजानों की मलकियत भी हो सकती है, और बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर एक बड़ी चीज की मलकियत भी हो सकती है, एक बड़े ग्रुप की मलकियत भी हो सकती है। सो तीन हिस्से हैं। आप जरा देखते हैं, जब इंसानों की मलकियत का इजहार होता तो सिंपल केस है ना, ये अपोस्ट्रोफी वाला जो आज का लेक्चर है वो आ जाएगा। अली कार, अगर मैं कहूँ कि गाड़ी है जो कि अली की है, वो ऑब्वियसली इंसान है, तो अली कोमा डालकर हसन होम, तो हसन का हसन डालकर उसके साथ आप कोमा और एस लिख दें तो हसन होम, ये हसन का घर बन गया। लेकिन अब जरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर, अच्छा बाय द वे इसमें एक ये चीज भी याद रखेंगे, अगर कोई लफ्ज है जो प्लूरल है और वो खत्म हो रहा है और उसकी मलकियत का इजहार करना है, तो आपने जैसे बॉयस प्लूरल है, बॉयस कॉपी, लड़कों की कॉपीज, तो आपने बी ओ वाई एस, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, बल्कि जैसे कि है कि बी ओ वाई एस और फिर उसके बाद बॉयस कॉपीज, लड़कों की कॉपियां, तो ये आपने ये जो कोमा डालना होता है वो एस के बाद डालना होता है जो प्लूरल का, और उसके बाद ऑब्वियसली कुछ और नहीं है ना, बस सिंपल ये देख लें कि इस तरीके से करना है। जो भी लफ्ज एस पर खत्म हो, जैसे वो मुझे याद है स्कूल का एक नॉवल था ना, मिस्टर चिप्स, चिप्स का स्कूल था ब्रुकफील्ड, तो मिस्टर चिप्स का स्कूल, तो मिस्टर चिप्स लिख कर, चिप्स एस पर खत्म हो रहा है तो दोबारा एस नहीं लगाना होता, उसी के ऊपर कोमा डाल देते हैं। खैर वो एक टॉपिक हो। अब बेजानों की जब मलकियत हो तो वो कंपाउंड नाउन की सूरत में क्रिएट हो जाते, यानी दोनों नाउन को जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल पानी की टंकी, वाटर टैंक, अब जरा गौर करें, वाटर टैंक पानी की टंकी है अगर, तो ये भी तो मलकियत है ना किसकी, ये पानी की जो टंकी है, ये टंकी किसकी मलकियत है, ये पानी की है तो बेजान, लेकिन ये मलकियत है उसकी, तो वाटर टैंक बीच में कुछ भी डालना जोड़ दे। सूरज की रोशनी, रोशनी तो है लेकिन किसकी मलकियत है, ये सूरज की मलकियत है, सन शाइन, दोनों को जोड़कर लिख दें। इसी तरीके से इंक वाला पेन, यानी कि इंक का पेन, तो ये जो मलकियत है किसकी, इंक की, तो ये यहां पर इंक पेन आप जोड़ दें, आप लिखते हैं। वाटर कलर कहा जाता है, यानी कि जो कलर है ये पानी के कलर है, पानी के कलर मलकियत है पानी की, आपको अजीब लगेगा पानी की कैसे, लेकिन मैं समझे इस पॉइंट को कि ये मलकियत है। लैपटॉप का कवर, ये जो कवर है ये किसका है, ये लैपटॉप का है, ये उसकी मलकियत है, तो बेजानों की मलकियत भी होती है बाय द वे। तो आपने जब बेजानों की मलकियत के साथ में, तो ऐसे, अच्छा अभी उसके पास रहा, बड़े पैमाने, बड़े स्केल पर भी मलकियत हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल एक बड़े ग्रुप की मलकियत है, दूसरा बड़ा ग्रुप, ये कोई ग्रुप ऐसे, तो बड़े पैमाने पर जब मलकियत का इजहार होता है तो वहां पर आप ये प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, जिसका लफ्जी मतलब ही ये है का। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की हुकूमत, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से लोगों के मसाइल, तो इश्यूज ऑफ पीपल, आप ऑफ लगाकर मलकियत का इजहार कर देते हैं कि इतने लोग और आगे उनकी इश्यूज हैं, तो ये जो इश्यूज हैं ये किसकी मलकियत है, ये लोगों की है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट है तो किसकी मलकियत है, ये पाकिस्तान की मलकियत है। तो जहां पर आपने मलकियत का इजहार करना हो बड़े स्केल पर, तो वहां पर ऑफ लगा देना। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने डिफाइन किया, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आप यूज कर रहे होते हैं तीन पॉइंट्स में। अगेन this is a, this all the logics which have been defined here, you can say that all the logics have been created by my own self, I have created all these logics, ye kisi book mein nahi likha, balki meri english ki book, by the way aajkal uski bahut demand ho rahi hai, bahut log usko alhamdulillah uski sale achhi ja rahi hai, purchase kar rahe hain, to aap bhi agar lena chahe in dinon usko main new order nahi le raha kyunki publish ho rahi hai, uske edit wagaira ki ja rahi hai, to main uska tarika kar hi hota hai ki आपको पेमेंट पहले करनी पड़ती है, तो क्योंकि वो कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस तो है नहीं है, तो जब वो स्टूडेंट फीस पहले पे कर देते हैं तो वो फिर बार बार कॉल करके पूछना शुरू करते हैं कब आएगी कब आएगी, तो वो मेरे लिए बड़ी डिस्टर्बेंस एक हो जाती है कि जब तक बुक डिस्पैच ना हो, तो वो मतलब एक बुक की वजह से क्लासेस भी डिस्टर्ब होती है, तो इसमें फिलहाल उसकी
रुकी हुई है, लेकिन आप वो ऑर्डर कर सकते हैं कुछ दिनों में। तो वो बुक, उसमें भी मैंने ये पॉइंट डिफाइन किया हुआ है अपनी इंग्लिश की बुक में कि जो मैंने अपोस्ट्रोफी को इन तीन कैटेगरीज में रखकर डिफाइन किया है कि आपने इंसानों की मलकियत, बेजानों की मलकियत और फिर एक बड़े पैमाने पर मलकियत का इजहार करना, किसी और बुक में है नहीं ऐसे, बल्कि वो तो मानते ही नहीं है। खैर इस लॉजिक को कहने क्या बकवास बात है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा समझा जाए अगर देसी तरीके से ही कह लें, कोई ट्रिक ही कह लें, जो भी है, लेकिन आपका मसला बड़ी हद तक हल हो सकता है। शायद चंद एक ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हों जहां पर ये रूल फॉलो ना होता हो कि वो इंसानों की मलकियत है फिर भी कुछ और होता हो, बेजानों के फिर भी कुछ और, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया अपनी राइट, क्योंकि मेरी जितनी भी इंग्लिश की लॉजिक्स आप अगर गौर करें तो मेरी सेल्फ मेड है, मैं खुद सोचता हूँ और क्रिएट करता हूँ, बिकॉज इंग्लिश मेरा शौक है, मेरा पैशन है, मैं सोचता रहता हूँ ऐसे या तो ऐसे क्यों है, ये क्यों नहीं है, मुझे मेरी मजबूरी नहीं है, मतलब मुझे ऐसा नहीं कि कोई जॉब नहीं मिली तो मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी, आई रियली लव्ड इंग्लिश और उसके बाद मैंने इसको एज अ प्रोफेशन ही अडॉप्ट कर लिया। तो मैं वो सोचता रहता हूँ और फिर लॉजिक आप ऐसे हो जाए तो ऐसे मेरा ख्याल है मजा आएगा, ऐसे समझा जाए, ऐसे इसकी लॉजिक क्रिएट करें, तो ये मेरी लॉजिक है। उम्मीद करता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको समझ भी आई होगी। थैंक यू वेरी मच।